यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे हमने वाइट की कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन एज अ पोइट पढ़ी थी, अक्सर या तो दोनों में से किसी एक ही कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वाइट या सरे में से किसी एक ही कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है. सबसे पहले हम इसकी कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं कि इसने इंग्लिश पोइट्री में क्या कंट्रीब्यूशन की थी. लाइक थॉमस वाइट सर्विस कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो नॉट इनसिग्निफिकेंट, दो ही वॉज द यंगर कॉन्टेम्पोरेरी एंड डिसिपल ऑफ वाइट. वो एक यंगर कॉन्टेम्पोरेरी था, यानी कि वाइट का एंड हो रहा था और इसका सरे का स्टार्ट था. हम असर हो गए ना, यानी कि एक ही जमाने के थे दोनों. और डिसिपल था, यानी कि वो शागिर्द था किसका, वाइट का. येट ही वॉज फार ग्रेटर एन आर्टिस्ट देन वाइट, वो अपने उस्ताद से कहीं आगे था. एंड वॉज ऑल्सो मोर रिमार्केबल पोइट इन टेक्निकल सेंस. However, Surrey was less energetic than White in presenting emotions, but technically more strong. वो Surrey जो है, वो less energetic था than White or present in presenting emotions, लेकिन वो technically ज़्यादा strong था. इस line को underline करें कि White का compare, White and Surrey का compare and contrast वाला. ठीक है, यहाँ पे लिख लें बेटा. ये अगर question आता है ना White and Surrey का compare and contrast, तो ये lines आप compare and contrast में add कर सकते हैं. He was a great scholar and a true humanist, which is clear in most of the translation he made. बहुत बड़ा scholar था, एक true humanist था, human rights के ऊपर बात करता था, जो कि बहुत clear थी in most of translation in he made. He translated great classical poets like Horace and Virgil, and his translations have lucidity and the consciousness and the elegance of original work. और उसकी जो translations हैं, उसमें क्या थी, lucidity थी और कॉन्शियसनेस थी और एलिगेंस थी ओरिजिनल वर्क की. सरेस ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल, हिज इंट्रोडक्शन ऑफ द यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, हिज मॉडिफिकेशन ऑफ सोनेट इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री. सरे की ट्रांसलेशन जो थी, जो उसने वर्जिल की थी, और उसका इंट्रोडक्शन जो है यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, उसने उसकी मॉडिफाई किया. हिज मॉडिफिकेशन ऑफ सोनेट इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री. जो उसने सरे ने भी जो सोनेट को मॉडिफाई किया था, ये एक बहुत बड़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन थी इन इंग्लिश पोइट्री. इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल इनटू इंग्लिश इन ब्लैंक वर्ड्स, इन ऑर्डर टू अवॉइड वेयर सम मोनोटोनी, ही लेट द सेंस रन ऑन फ्रॉम लाइन टू लाइन, एंड थस ही इम्पार्टेड टू ब्लैंक वर्ड्स इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. इसने जो है ज्यादा काम जो है वो ब्लैंक वर्ड्स के ऊपर किया था. और उसने क्या किया था, इन ऑर्डर टू अवॉइड वेयर सम मोनोटनी. मोनोटनी वो कहते हैं एक जैसा हो जाना. ठीक है, तो उससे क्या होता है, इंसान बोर होना शुरू हो जाता है. तो उसने मोनोटनी को अवॉइड करने के लिए, ही लेट द सेंस रन ऑन फ्रॉम लाइन टू लाइन. तो उसने कोशिश की थी कि ये जो सेंस है, यानी कि वो रन करे लाइन टू लाइन. बट एंड डज इम्पार्टेड टू ब्लैंक वर्ड्स इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. उसने ब्लैंक वर्ड्स को इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इम्पार्ट किए थे उसको. ब्लैंक वर्ड्स हैड बीन यूज्ड इन इटली फॉर अ फ्यू इयर्स बिफोर हिम. ब्लैंक वर्ड्स जो है वो इटली में यूज हुई फ्यू इयर्स बिफोर, जब उससे पहले. हाउएवर सरे स्किल एंड हिज ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लैंक वर्ड्स इज वर्थ ऑफ ऑल प्लेस. हालांकि सरे की जो स्किल्स हैं वो जो है वर्थ ऑफ ऑल जो है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट था जो ब्लैंक वर्ड्स का, वो वर्थ ऑफ ऑल प्लेस, यानी कि प्रेज, यानी कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया था. नो डाउट कि वो तारीफ के काबिल है. एज अ पोएट सरे इज रिमेम्बर्ड मोर एज सोनेटियर. एज अ सोनेटियर सरे वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वाइट. सरे जो है इन्फ्लुएंस था बाय टेक्निकल एक्सपेरिमेंट वाइट के. ही पिक द सोनेट फ्रॉम वेयर वाइट हैड लेफ्ट इट एंड मेड सम सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन इट. वो जो है पिक करता सोनेट को फ्रॉम वेयर वाइट, जहां से वाइट ने उसको छोड़ा था, एंड मेड सम इनसिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन इट. और कुछ उसने इनसिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स की थी उसमें. एंड द सेकंड इन्फ्लुएंस ऑन हिम वाज दैट ऑफ पेट्रियार्क. ठीक है, सोनेटियर के तौर पे वाइट जो है किस चीज से इन्फ्लुएंस था, टेक्निकल एक्सपेरिमेंट से ऑफ वाइट. ठीक है, वाइट के जो टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स थे उससे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. उसने सोनेट को वहां से लिया जहां पे वाइट ने उसको छोड़ा था, और फिर उसने उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स की थी. एंड द सेकंड इन्फ्लुएंस ऑफ हिम वाज द पेट्रियार्क. पहला इन्फ्लुएंस किसका था, वाइट का था.
दूसरा इन्फ्लुएंस किसका था? पैट्रियार्च का था. हाउएवर सरे सोनेट आर मोर इफेक्टिव इन टेक्निकल सेंस देन दोज ऑफ वाइट. ही मॉडिफाइड इट बाय मेकिंग इट अ पोएम ऑफ थ्री क्वाट्रेन्स फॉलोड बाय अ कपलेट. उसने इसको मॉडिफाई किया था और उसने पोएम किस तरह की बनाई थी, थ्री क्वाट्रेन्स बनाई थी और एंड पे एक कपलेट हुआ करता था विद द राइमिक स्कीम ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी. After Surrey, Shakespeare used this form and made it immortal. और इसके सरे के बाद जो है शेक्सपियर ने ये सोनेट फॉर्म जो है वो फॉलो किया और उसको इमोर्टल बना दिया. There are few characteristics of his poetry. कुछ characteristics आगे इसकी poetry के. Much of his verse handles the traditional patriarchal theme of love with typical patriarchal conceits. ठीक है, उसकी बहुत सारी जो verse थी वो handle करती हैं patriarchal theme को of love with the typical patriarchal conceits. Conceits कहते हैं far-fetched images को, लिख लें यहाँ पे far-fetched images. ठीक है, और conceit एक ऐसे idea को कहते हैं जिससे आप पूरी की पूरी कहानी जो है ना वो आपके सामने खुल जाए. लाइक एक वो शेर है ना, वर्क ना होता अगर तुझको पुकारा होता. वो हजरत मूसा और फिरौन का के बारे में किसी शायर ने एक शेर लिखा था उनके. उसमें फिर कंसीट असल में एक ऐसी टू लाइन वर्ड्स को या एक ऐसे आइडिया को कहते हैं जिससे पूरी की पूरी कहानी जो है खुल जाती ना, खुल जाती है, यानी कि आपको रिमाइंड हो जाती है. तो एक शेर है उसकी मुझे पहली लाइन याद नहीं आती आ रही. उसमें ना पूरी स्टोरी एनक्लोज्ड है अबाउट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की, कि फर्क ना होता अगर तुझको पुकारा होता, कि वो फिरौन जब मर रहा होता है ना, यानी कि डूब रहा होता है, तो एट दैट टाइम वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है कि ए मूसा मुझे डूबने से बचा लो, मैं तौबा करता. ठीक है, तो क्योंकि वो जो है तौबा का तो खैर उसने नहीं कहा था, लेकिन उसने कहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मुझे बचा लो ना, यानी कि अपना हाथ मुझे दे दो और मुझे बचा लो. तो उस पे एक शायर ने शेर लिखा था कि अगर वो अल्लाह को पुकार लेता तो शायद अल्लाह उस एट दैट टाइम उसको माफ कर देता, लेकिन क्योंकि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा था इसलिए वो गर्क हो गया ना. तो दैट इज द होल स्टोरी कि वो गर्क ना होता अगर तुझको पुकारा होता. दैट इज अ कंसीट. ठीक है, दैट इज अ कंसीट, दैट इज एन आइडिया कि अगर वो अल्लाह ताला को पुकार लेता एट दैट टाइम. और उस आइडिया के पीछे क्या है, एक पूरी स्टोरी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, फिरौन का और बनी इसराइल का, एक पूरा वाकया है जो हमारी आंखों के सामने खुल जाता है. तो इस तरह के जो आइडियाज होते हैं उनको हम कंसीट्स कहते हैं, यानी कि ये फार-फेच्ड इमेज है. दरिया को कूजे में बंद कर देना, दो अल्फाज से आपको पूरी कहानी समझ आ जाना, चंद एक फ्रेजेस से आपको पूरी कहानी समझ आ जाना, इसको कहते हैं हम कंसीट. ठीक है, कि फार फेच इमेजेस. अब वो कहानी, वो जो दौर है वो बहुत पुराना है, वो बीसी का है. ठीक है, कि हजरत ईसा अलैहि सलाम से भी बहुत पहले का, ग्रीक्स का जो है वो उस वक्त की बात है कि जब हम ये बातें करते हैं. लेकिन क्या है कि वो एक फार फेच इमेज है हजरत मूसा अलैहि सलाम का और फिरौन की कहानी है और बनी इसराइल की कहानी है, जो कि एकदम से इस शेर को वो करते ही हमें याद आ जाती है. He uses natural imagery. इसी तरीके से वो इमेजरी, अब इमेजरी कंसीट्स बेसिकली इमेज को ही कहते हैं. पेट्रियाचन कंसीट, यानी कि पेट्रियाच, क्योंकि ये पेट्रियाचन पोएट्री ज्यादातर लव वाली थी, और एक प्लेटोनिक लव होता है, एक पेट्रियाचन लव होता है. ठीक है, पेट्रियाचन लव में जो है ना वो ये बात करता है कि मोहब्बत की मुकम्मल होने में नॉट ओनली सोल का मिलाप बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि बॉडीज का भी मिलाप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. यानी कि बॉडी एंड सोल दोनों का मिलाप होना ही एक कम्प्लीट लव होता है. जबकि जो प्लेटोनिक लव है, जो जॉन डन ने यूज किया है अपनी पोएम्स के अंदर, उसने कहा कि दो लवर्स जो होते हैं वो चाहे जितनी मर्जी दूर रहें, ठीक है, लेकिन अगर उनकी सोल्स जो हैं वो मिली हुई हों तो उनका, उनकी जो मोहब्बत है वो कभी खत्म नहीं हो सकती. तो दैट इज द बेसिक पैट्रियार्चन लव एंड प्लेटोनिक लव. तो ये उसने जो है बात की है कि वो पैट्रियार्चन लव की बात करता है.
यूजेस नेचुरल इमेजरी दैट इज लाइवलियर, उसने नेचुरल इमेजरी की बात की है जो कि लाइवलियर होती है और मोर इंग्लिश देन पेट्रियार्चन मॉडल, और ज्यादा इंग्लिश है देन पेट्रियार्चन मॉडल से. His language is often more modern than white. That his meanings are often clearer than white. His rhymes are often smoother and easier than white. Ye bhi compare and contrast hai white and sare ka. His favorite rhyme scheme is three quatrain and a couplet. For example, A B C D E F E F G G. He is fond of using the conceits of antithesis. Antithesis कहते हैं two opposite concepts को compare and contrast करना. एक thesis होता है और एक उसका antithesis होता है. ठीक है, यानी कि एक thesis के बाद हम उसको antithesis कर देते हैं, यानी कि उसको negate कर देते हैं. He makes use of autobiographical elements in the poetry. He also uses blank verse especially in his translation. उसने autobiographical एलिमेंट्स यूज किए अपनी पोइट्री में, यानी कि अपने लाइफ रिलेटेड एलिमेंट्स यूज किए अपनी पोइट्री में. मोस्ट ऑफ सरे सोनेट एक्सप्रेसेस एंटायरली इमेजिनेटिव लव फॉर जेराल्डाइन और लेडी एलिजाबेथ फिट्ज़जेराल्ड. और मोस्ट ऑफ सरे की सोनेट जो है वो उसकी एंटायर इमेजिनेटिव लव शो करते हैं फॉर जेराल्डाइन और लेडी एलिजाबेथ फिट्ज़जेराल्ड. द एल्गाइक नोट इज नेचर टू हिम. एल्गाइक कहते हैं सैड नोट, ग्लूमी नोट. ठीक है, किसी की मौत के बाद जो है अगर पोएम लिखी जाती है या उसके जाने के बाद कोई पोएम लिखी जाती है, किसी की गम में कोई गजल लिखी जाती है, उसे हम कहते हैं एल्गी. ही कंबाइंड लव एंड नेचर इन हिज पर्सनल सोनेट्स एंड गिव देम द इम्प्रेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी. वो कंबाइन करता है लव और नेचर को in his personal sonnet, अपनी personal sonnet में, and gave them the impression of his personality. और वो जो है impression देता है of his personality. He also composed some impersonal sonnets characterized by satirical touches to the contemporary personages. और वो जो है compose करता है some impersonal sonnets characterized by satirical touches to the contemporary personages. वो जो है compose करता है कुछ impersonal sonnets को जो कि कैरेक्टराइज हुई हैं सटायरिकल टचेस टू द कंटेंपोरेरी, जो कंटेंपोरेरी पर्सोनेजेस हैं उन बाय सटायरिकल टचेस टू कंटेंपोरेरी, यानी कि वो जो सटायरिकल टचेस हैं जो कि कंटेंपोरेरी पर्सोनेजेस पर हैं, वो जो है कंपोज करता है इस तरह की कुछ इंपर्सनल सोनेट्स. हिज सोनेट्स टू कंटेंपोरेरी सार्डन पैलेस इज आल्सो इंपर्सनल इन कैरेक्टर एंड सटायरिकल इन टोन. और उसकी जो सोनेट है टू कॉन्टेम्पोरेरी सार्डन पैलेस वो भी इम्पर्सनल है इन कैरेक्टर और सटायरिकल है इन टोन. इट इज रिमार्केबल फॉर इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. ये जो पिछला आपका है ना ये लाइन, ही ऑल्सो कम्पोज सम ऑफ द इम्पर्सनल सोनेट्स. अच्छा, इसको जरा ईजी करके कर लें. ही कम्पोज सम इम्पर्सनल सोनेट्स. Those are characterized by the touches to contemporary personages. ठीक है, या फिर his sonnet to मतलब आगे लिखा हुआ है ना, his sonnet to contemporary Sardan Pollis is also impersonal. तो आप लिख दें कि उसकी जो पोइट्री है वो impersonal in character है और satirical in tone है. लिख लें इस लाइन को, वो करके ना छोटा करके यहाँ पे लिख लें, his poetry is impersonal in character and satirical in tone, and satirical in tone करके, और उसके बाद निकले like contemporary Sardan Pollis is also impersonal in character and satirical in tone. बस that's all. ये जो पिछली लाइन है ना, इतनी मुश्किल लाइन वहां पे जाके मत लिखिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर को ऐसी कोई कंफ्यूजिंग लाइन नजर आ गई हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता. ठीक है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो रेड लाइन लगा देते हैं जी ये गलती हुई हुई है और इस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. इसलिए लाइंस को जितना इजी करके लिख सकें उतना इजी करके लिखना है. वहां पे इस तरह से ये जैसे ये पूरी लाइन जो है ना, इसका अलिफ वे समझ नहीं आ रही, इस तरह की लाइन वहां पे जाके नहीं लिखनी. तो इसको इजी करके आपने लिखना है. ठीक है, इजी वे में लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना. इट इज रिमार्केबल फॉर इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स डिग्निफाइड स्ट्रिंग एंड इट्स एफर्ट टू कंडेंस थॉट. और ये रिमार्केबल है अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से, इसकी डिग्निफाइड स्ट्रिंग की वजह से, और उसकी एफर्ट टू कंडेंस थॉट.
Suri seems to be awfully impressed by Patriarch, especially in his shorter poem. Therefore, he has been criticized by his conventionality in his theme. But such criticism failed to perceive that conventionality of theme was a poetic virtue and not a defect in 15th and 16th century. Or कुछ criticism और such criticism जो है वो fail हो जाती है that conventionality of theme was a poetic virtue not artifact. कि ये जो conventionality of theme है वो एक poetic virtue है. What is conventionality of the theme? यानी कि जो traditionality है theme जो पीछे से traditions चली आ रही हैं वो एक poetic virtue है, वो कोई defect नहीं है. जो कि 15th और 16th century में अगर एक चीज आ रही है और अगर आप उसको follow करते हैं तो ये कोई poetic defect नहीं है बल्कि ये poetic virtue है. English poetry suffered a great loss by premature death of both White and Surrey at an early age. ठीक है, इन दोनों की death के बाद जो है English poetry जो है वो उसको काफी loss हुआ. Their influence could not be felt immediately, but during the age of Shakespeare, their poetry fired the imagination of the young poets. लेकिन age of Shakespeare में ये poetry जो है उसने fired the imagination of young poets. उसने actually expose किया imagination of the young poets. यानी कि फिर जो है इन दो young poets की जो poetry है वो totals miscellany के अंदर जो है ना फिर इन दोनों की poetry लिखी गई थी. इन दोनों के मरने के बाद जो है Shakespeare के दौर में इसकी जो poetry है उसको discover किया गया था, दोबारा से खोला गया था और उसको पढ़ा गया था. Stopford Upbrook writes about their influence. They were both Italian travelers and bringing back to England the inspiration they had gained from classic and Italian models. वो जो है बहुत कुछ उन्होंने gain किया था classic और Italian models से. They remade English poetry. They introduced a new kind of poetry, the amorist poetry, a poetry extremely personal. ठीक है, उन्होंने amorist poetry जो है उसको introduce किया था. और ये amorous poetry किसे कहते हैं, एक ऐसी poetry को जो कि totally personal होती है and personal as English poetry has scarcely ever been therefore. और इतनी personal English poetry जो है इससे पहले नहीं देखी गई. A.S.G. Edward plays a tribute to Surrey in this work. Surrey's body of the work is both smaller and more diversified, extending from lyric to classical and biblical translations. His experimentation with form and subject matter created a substantial body of poetry that, particularly in his innovative use of blank verse, marks a significant development in the history of English poetry. Surrey can claim a place as one of the finest stylists of English Renaissance poetry. He manifests a technical skill, a grasp of meter, diction, and syntax that enabled him to create a style that was elegant, effective, and unadorned. ठीक है, उसने जो है एक manifest की थी एक technical skill, एक grasp of meter, diction, और syntax. Syntax कहते हैं sentence की फॉर्मेशन को. दैट एनेबल्ड हिम टू क्रिएट अ स्टाइल, और जो कि एलिगेंट था, इफेक्टिव था और एडॉर्न था. अब देखें कितनी लंबी कोट है. और अगर आप इसमें लिखें ऐसे, इसको जरा पढ़ते हैं, इसको ना दोबारा से कोट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ठीक है, और इसको तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं या चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं. अब देखते जाए इसको हमने डिवाइड कैसे करना और लिखना कैसे है. और इस कोट के हम चार कोट्स भी बना सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ESG Edward pays tribute to Surrey in this word. Surrey body of book is both smaller and diversified, extending from lyric to classical and biblical translation. ठीक है, अब लिखें यहाँ पे his experimentation with form and subject matter create a substantial body of poetry that, particularly in innovative use of blank verse, make a significant development in the history of poetry. Surrey can claim a place of one of the finest stylists of English Renaissance. Isko inverted commas mein likhe. Surrey can claim, isko inverted commas mein karte hain. Itna yaad karna aapke liye aasan hai.
आप लिखेंगे एएसजी एडवर्ड पेस ट्रिब्यूट टू सरे इन दिस वर्ड सरे कैन क्लेम अ प्लेस एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टाइलिश ऑफ इंग्लिश रेनेसा पोएट्री ही मैनिफेस्ट अस A technical skill, a grasp of meter, diction, and syntax that enable him to create a style. अच्छा यहाँ पे लिखे inverted commas करके आगे लिखे dot 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 और he create he लिख के he inverted commas again start he create a style he create a style that was elegant, effective, and unadorned. ये हो गई जनाब आपकी कोट छोटी ठीक है इस तरीके से नंबर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर ठीक है दैट इज द वे और कोट कैसे करना है दरमियान दरमियान में करके लिखनी है जैसे मलिहा लिखती है राइट साइड से भी इसने बहुत सारी जगह छोड़ी होती है लेफ्ट साइड पे भी और वो जो दो लाइनों की कोट होती है इसको चार में डिवाइड कर देती है दैट इज द वे कि आपने किस तरीके से जो है वो लिखना है तो आप लोगों को पैटर्न इसीलिए शेयर होता है कि उसको किस तरीके से आपका मतलब वैसे तो आप लाइंस नहीं छोड़ेंगे लेकिन जब आप कोट लिखेंगे तो राइट एंड लेफ्ट के दरमियान बिल्कुल दरमियान में करके आपने लिखना है जैसे ये देखिए मैंने अर्ल ऑफ सरे है ना इसको मैं इस साइड में भी लिख सकती थी या पूरे का पूरा यहाँ पे भी आ सकता था ये मैंने दरमियान में करके लिखा उससे क्या होता है चीज हाईलाइट हो जाती है इसी तरह ये देखें भाई आसमा शेख मैंने दरमियान में करके लिखा है तो आपकी कंटेंट राइटिंग है और आपका पेपर इम्प्रेशन ये दो चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से लिखते हैं अब आगे समझ के सरे कैन क्लेम अब देखें किस तरह से होगा एएसजी अब मैं दोबारा से इस कोड को पढ़ने लगी हूँ एएसजी एडवर्ड पेस ट्रिब्यूट टू सरे इन दिस वर्ड इनवर्टेड कॉमा स्टार सरे कैन क्लेम अ प्लेस एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश फाइनेस्ट स्टाइलिस्ट ऑफ इंग्लिश रेनेसा पोएट्री या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एएसजी एडवर्ड पेस ट्रिब्यूट टू सरे एंड ही कॉल्ड हिम एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टाइलिस्ट ऑफ इंग्लिश रेनेसा पोएट्री इनवर्टेड कॉमास क्लोज और देन डॉट 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 ही क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज एलिगेंट इफेक्टिव एंड अनअडॉर्न इनवर्टेड कॉमास क्लोज ठीक है तो इस तरीके से आप आराम से आपकी जो एक कोट है वो छोटी भी हो जाएगी और पॉइंट ऑफ व्यू जो है बीइंग अ रेनेसा पोएट और ये सारा कुछ जो है वो पता भी चल जाएगा आगे पॉइंट टू रिमेम्बर है अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही वॉज अ फार ग्रेटर आर्टिस्ट देन वाइट इन टेक्निकल सेंस सरे वॉज लेस एनर्जेटिक देन वाइट इन प्रेजेंटिंग इमोशंस ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ ट्रू ह्यूमनिस्ट He translated great English poet like Horace and Virgil. His translations have lucidity and consciousness. He introduced blank verse. He was fond of using the conceit of antithesis. In dono ke meanings jo hai na wo maine abhi sambhal ke rakhe hain abhi aapko padhane. Aur he introduced autobiographical elements. He combined love and nature in his personal sonnets. His style was elegant, effective, and unadorned. उसका जो स्टाइल था वो एलिगेंट था इफेक्टिव था और अनएडॉर्न था जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया ना और ही क्रिएट अ स्टाइल की जगह आप लिख दें हिज स्टाइल वाज एलिगेंट हिज करके और फिर इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट स्टाइल वाज एलिगेंट इफेक्टिव एंड अनएडॉर्न ठीक है तो ऊपर वो जो एएसजी एडवर्ड है उसका नाम लिख दें कि उसने ये इस तरह से कहा था तो नंबर भी पूरे आ जाने आपके लंबी कोड भी नहीं लिखनी पड़नी और आपका काम भी हो जाना ठीक है तो दैट इज द शॉर्ट वे कि किस तरीके से हम इसको करते हैं अच्छा जी नेक्स्ट उस पे चलते हैं आपकी कुछ डेफिनेशंस थी वो मैंने आज करानी थी आप लोगों को